महाभियोग मामले पर इस हफ्ते के आखिर में सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता अंतिम रूप देने में लगे। चीफ जस्टिस के खिलाफ महाभियोग का ममता बनर्जी ने इसे गलत बताया। कहा सीजेआई के खिलाफ कांग्रेस ने गलत कदम उठाया। ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी और कांग्रेस एक साथ। अधीर रंजन चौधरी बोले पश्चिम बंगाल में लगे राष्ट्रपति शासन। अधीर रंजन चौधरी ने ममता सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। कहा विपक्षी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का बीजेपी पर गंभीर आरोप। कहा पीएम और अमित शाह सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं। 1 मई से कर्नाटक में चुनाव प्रचार करेंगे पीएम मोदी। 15 से ज्यादा रैलियों को संबोधित करेंगे। सीएम योगी भी 20 रैलियों में हिस्सा लेंगे। कर्नाटक में 26 अप्रैल से चुनाव प्रचार शुरू करेंगे राहुल गांधी। 9 दिन तक करेंगे चुनाव प्रचार। कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया ने बादामी सीट से पर्चा भरा। कहा मुझे मतदाताओं पर भरोसा है। कर्नाटक की बादामी सीट से बीजेपी के प्रत्याशी श्री रामुलु ने पर्चा भरा। सीएम सिद्धरमैया के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों की वजह से पिछड़ा है भारत। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत का बयान। दिल्ली के जामिया यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में बोले अमिताभ कांत, मध्य प्रदेश और राजस्थान भी पिछड़े राज्य सामाजिक मानदंडों का हवाला दिया। सलमान खुर्शीद ने अपने बयान पर दी सफाई। कहा मुसलमानों के खून के धब्बे कांग्रेस पर नहीं मुझ पर हैं। अपने बयान पर कायम।